चिली पोटैटो बनाने के लिए हम सबसे पहले आलू लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये थोड़े बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और अब हम इनको पील कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अगर आप बड़े साइज़ के जो आलू लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे जो चिली पोटैटो हैं वो देखने में थोड़े बड़े और सुंदर दिखेंगे। तो देखिए मैंने इनको पील कर लिया है और अब हम इनको कट कर लेंगे। तो इसके लिए हम इसको इस तरह से पहले स्लाइसेस में काटेंगे और इनके फिर इस तरह से पीसेस कर लेंगे, बिल्कुल जैसे कि हम फ्रेंच फ्राइज के लिए बनाते हैं। हमें उतने ही साइज़ के और उतने ही मोटे पीस करने हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको काट लेंगे। तो यहाँ पर आपको साइज निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सारे आलू काट लिए हैं। हम इन आलुओं को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसमें पानी डाल देंगे और इसको पानी में करीब 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इससे जो इसका एक्स्ट्रा स्टार्च है आलू का वो निकल जाएगा और ये क्लीन भी हो जाएंगे। तो हम इसको साइड में रख लेंगे। तो जब तक हमारे आलू पानी में सोक हो रहे हैं हम ये अनियन काट लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा मोटा ही मोटा काटेंगे, बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। और हम इस तरह से इसके स्लाइसेस जो हैं वो खोल लेंगे सारे। ये देखिए इस तरह से काट लें आप इसको और इसको खोल लें। तो यहाँ पर मैं एक छोटी अनियन का यूज़ कर रही हूँ। हम इसको बाउल में रख लेंगे और इसी तरह से हम एक शिमला मिर्ची लेंगे और उसको भी हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो ये देखें, तो मैंने यहाँ करीब आधी शिमला मिर्ची और एक छोटे वाले प्याज का यूज़ किया है। और आइए अब हम आलू का मसाला तैयार करते हैं। आलू को मैंने 5 मिनट के लिए भिगोया था और मैंने इसके बाद इसको छानकर इसका पानी निकाल दिया है। तो हम ये आलू जो है वो एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे करीब 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबलस्पून मैदा। स्प्रिंकल करेंगे हम थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसमें डालने वाले हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये बाज़ार का जिंजर गार्लिक पेस्ट है तो इसमें काफ़ी सारा सॉल्ट होता है। और अब हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि जो आलू हैं हमारे वो जिंजर गार्लिक सॉल्ट और कॉर्नफ्लावर और मैदा के से अच्छे से कोट हो जाएं। तो अब इनको अच्छे से मिक्स करें जिससे कि हर आलू पे अच्छी सी एक कोटिंग हो जाए और हमारा जिंजर गार्लिक जो है वो और सॉल्ट सारे आलूओं पे अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखें तैयार है। हम इन्हें साइड में रखेंगे और अब हम इसके लिए एक बैटर बनाएंगे जिसको कि बना के हम इन आलूओं को डीप फ्राई करेंगे। आलू की कोटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है चावल का आटा 3 टेबलस्पून। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि अगर आपको अपना जो चिली पोटैटो है वो क्रिस्प बनाना है तो आप चावल का आटा यूज़ करें। और यहाँ पर है 2 टेबलस्पून मैदा, मैदा की जगह आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे हम बहुत थोड़ा सा सॉल्ट, इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक थिक बैटर बनाएंगे। तो बैटर इतना थिक होना चाहिए कि आलू पे वो अच्छे से कोट हो जाए। तो चावल का आटा जो है वो चीज़ों को काफ़ी क्रिस्पी बनाता है। अगर आप उनको कटलेट में यूज़ करें, पकौड़े बनाते समय यूज़ करें तो आप देखेंगे उससे हमारे जो पकौड़े हैं वो भी काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं। तो चावल का आटा का बनाने का प्रोसेस वैसे काफ़ी लंबा है पर क्विक शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ कि आप बस चावल लें और उनको मिक्सी में एकदम बारीक पीस लें और उसके बाद एक बार उसको छन्नी से छान लें जिससे कि अगर उसमें जो बिना पिसा वाला आटा है वो अलग निकल जाए। तो हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी और डालेंगे। ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो हमें इस कंसिस्टेंसी का चाहिए होगा, फ्लोई कंसिस्टेंसी है पर एकदम पतला नहीं है। और अब हम इसको अच्छे से व्हिप कर लेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल तैयार है। तो अब हम अपने आलू लेंगे इस तरह से और इसको इस मिक्सचर में डिप करेंगे और इनको हम डीप फ्राई करते हैं। हमारा तेल अब गर्म हो चुका है, हम ये आलू के पीसेस इसमें डाल देंगे इस तरह से। अगर आप ये प्रोसेस पूरा फॉलो करेंगे जो कि मैंने बताया है तो जो आपका चिली पोटैटो है बहुत बहुत क्रिस्पी बनेगा। तो मोस्टली जो होता है क्योंकि हम सॉस वगैरह मिला देते हैं तो चिली पोटैटो जो है वो लास्ट में सर्व करते समय क्रिस्पी नहीं रहता है। तो अगर आप यहाँ गेस्ट आ रहे हो तो आप पोटैटोज़ पहले इस तरह से फ्राई करके रख लें और उसका सॉस में उसको तभी डिप करें जब आपको उसको सर्व करना हो। यहाँ पर मैंने जो स्टोव की आँच है उसको फुल पे रखा हुआ है और अब हम इसको पलट लेंगे और इनको एकदम क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकना है।
तो यहाँ पर जो स्टोव की आँच है हमने फुल पे ही लगाई हुई है, इसको आप धीरे ना करें नहीं तो जो आलू है वो तेल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसको सिकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इसको आराम से सिकने दें। ये देखिए हमारे पोटैटोज जो हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हैं, एकदम क्रिस्प हो चुके हैं। हम क्या करेंगे, इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए आवाज़ आप सुन सकते हैं कितने क्रिस्पी है ये। और आइए अब इसके लिए ग्रेवी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैन को गर्म किया हुआ, एक बड़ा सा पैन ले लें, आप वॉक ले लें, कढ़ाई ले लें बड़ी सी, और इसमें हम डाल देंगे करीब 2 टेबलस्पून तेल। तो हमारा पैन जो है वो पहले से ही थोड़ा गर्म था, तो हमारा तेल भी अब गर्म हो चुका है। हम इसमें डाल देंगे ये कटा हुआ लहसुन। तो यहाँ पर मैंने करीब 8 से 10 कली लहसुन का यूज़ किया होगा, और क्योंकि ये चिली पोटैटो है तो हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली। इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये चॉप किया हुआ प्याज और शिमला मिर्ची, इनको भी मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी सॉस बनाने के लिए, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखें अब जो हमने पानी डाला था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे रेड चिली सॉस, अब ग्रीन या रेड कोई भी चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे सोया सॉस, थोड़ा विनेगर, टोमेटो केचप, और इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखें जैसे हमारी ग्रेवी बॉईल होने लगेगी हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। तो ये 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है और मैंने इसको 1/2 कप पानी में घोल लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम ग्रेवी को हल्का सा बॉईल होने देंगे। तो ये देखें कॉर्नफ्लावर डालते ही हमारी ग्रेवी कितनी थिक हो गई है। और अब हमारी ग्रेवी थिक हो चुकी है, हम इसमें डाल देंगे ये फ्राइड पोटैटोस। अब बस हमें इनको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो आंच को आप तेज़ी रखें पूरे में, मैंने आंच को बिल्कुल भी धीमे नहीं किया है यहाँ पे। और जो हमारी सॉस है उसकी कोटिंग जो है वो पोटैटोज़ पे अच्छे से हो जानी चाहिए। ये देखिए हमारे चिली पोटैटोज़ बनकर बिल्कुल तैयार है, और आप देख सकते हैं कि हमारे आलू बिल्कुल अपना शेप जो है वो होल्ड किए हुए हैं और एकदम क्रिस्प है अभी भी। तो हम इसको गार्निश कर देंगे थोड़े से महीन कटे हरे प्याज के साथ। और आइए अब इसको डिश आउट करते हैं, और आप ये डिश ज़रूर ट्राई करें, एंड आई होप ये आपको बहुत पसंद आए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।